हेलो एवरीबॉडी, आज की इस वीडियो में मैं क्विक रिवीजन कराऊंगा थर्मल और उसका क्रिस्टिकल फिजिक्स का, और वैसी चीज़ें जो पेपर में आती हैं उन्हें तेज़ी के साथ मैं मेमोराइज कराने का प्रयास करूंगा, बताऊंगा किस टाइप के क्वेश्चंस इन पैटर्नों पर पूछे जा रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है कि ये सभी कंपटीशंस को लाभ देगी, और चाहे वो MSc के एंट्रेंस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करने वाले स्टूडेंट्स हैं और जिनके अभी बहुत जल्दी एग्ज़ाम होने वाले हैं लाइक PHU और बाकी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के एग्ज़ाम, ITGM वालों को भी लाभ देगी, और बाकी जो फिजिक्स कम्युनिटी है उसको भी तेज़ी के साथ रिवीजन में लाभ देगी। नेट गेट पार्क जैसे स्टेफर के स्टूडेंटों को भी लाभ देगी, ऐसा मेरा विश्वास है। तो मुझे उम्मीद है कि जो अभी मैं थोड़ा समय यहाँ गुजारूंगा वो आपको निश्चित तौर से एग्ज़ाम में लाभ देगा। तो थर्मल स्टैटिस्टिकल में कहाँ से क्वेश्चन शुरू होते हैं, तो सबसे पहले जो शुरू होता है क्वेश्चन वो हमारा आइडियल गैस से शुरू होता है। तो आप आइडियल गैस और रियल गैस की कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आप सदा याद रखें। आइडियल गैस होती है एक हमारी रियल गैस होती है, और रियल गैस को हम वान डर वाल गैस भी कहते हैं। तो शॉर्ट में मैं वी गैस इसे लिख रहा हूँ, V4 मीन्स वान डर वाल गैस। तो इक्वेशंस हमें सबसे पहले पता रहनी चाहिए कि आइडियल गैस की जो इक्वेशंस होती है वो होती है PV इजकल टू μRT। ये हमारी इक्वेशंस है आइडियल गैस के लिए, इससे ही तीनों लॉ बनते हैं। अगर हमारा टेम्परेचर कॉन्स्टेंट है तो PV कॉन्स्टेंट रहेगा। अगर इसमें इसका जो मतलब है ये बॉयल्स लॉ है जो कहता है कि कॉन्स्टेंट टेम्परेचर के ऊपर प्रेशर और वॉल्यूम जो इन्वर्सली कोरिलेट होते हैं, और अगर हमारा वॉल्यूम कॉन्स्टेंट है तो प्रेशर टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल होगा, अगर हमारा प्रेशर कॉन्स्टेंट है तो वॉल्यूम टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल होगा। तो यहाँ से ये तीन लॉ हमें पता रहने चाहिए। रियल गैस में हमारे लिए ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं P+A/B² और V-B=RT। ये इसकी वान डर वाल गैस की गैस ऑफ इक्वेशन है, वान डर वाल की रियल गैस इक्वेशंस। तो करेक्शंस किया जाता है आइडियल गैस के जो एजम्पशन है उनमें, जो एक एजम्पशन ये था कि गैस के जो मॉलिक्यूल हैं कुछ भी वॉल्यूम ऑक्यूपाई नहीं करते, तो उसकी वजह से ये कंसेप्ट आता है V-B का। और बी यहाँ पे जो होता है वो होता है हमारा 4NX, ये याद रखें, जहाँ X वॉल्यूम है सिंगल मॉलिक्यूल का, N टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हैं, और 4 टाइम्स उसका होता है, तो B की वैल्यू पूछ लेता है। साथ साथ ये भी ध्यान रखें कि जो A आता है वो आता है इससे कि जो हम ये कहते हैं कि आइडियल गैस के मॉलिक्यूल कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं लगाते एक दूसरे पे, वो तब तो पॉसिबल है जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो, मॉलिक्यूल दूर दूर हो, लेकिन जब टेम्परेचर कम होता है प्रेशर ज़्यादा होता है तो मॉलिक्यूल पास पास आते हैं, तब जो है वो आपस में एक दूसरे के ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं, तो उसकी वजह से ये इस टर्म का सिग्निफिकेंस आता है। तो ये याद रखें। अगर म्यू मोल के लिए पूछा गया है, अभी मैं कंपटीशंस में देख रहा था कई बार क्या कह रहा है कि म्यू मोल के लिए पूछ लेता है, तो इसमें याद रखें P+A μ²/V²V-μB=μRT। ये हमारी म्यू मोल के लिए है, ये अभी मैंने देखा था कंपटीशंस में पूछी गई है, कई जगह पूछी जा चुकी है कि म्यू मोल के लिए जो वान डर वाल इक्वेशन है वो क्या है। इसमें फिर चार पांच चीज़ें जो महत्वपूर्ण हैं वो हैं हमारा कि जब हमारा कोई गैस उसके ऊपर अगर हाई प्रेशर अप्लाई कर देते हैं और टेम्परेचर को लो करते हैं तो गैस लिक्विफाई होने लगती है हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर पे। एक पर्टिकुलर टेम्परेचर जिस टेम्परेचर से ऊपर जाने पर गैस लिक्विफाई नहीं होती वो कहलाता है उसका क्रिटिकल टेम्परेचर। तो क्रिटिकल टेम्परेचर पे याद रखें कि क्रिटिकल टेम्परेचर पे ∆P/ΔV की वैल्यू को जीरो लेते हैं और ∆2P/ΔV² को जीरो लेते हैं। ये होता है हमारा T=TC और P=PC और V=VC, क्रिटिकल टेम्परेचर प्रेशर और वॉल्यूम के ऊपर। तो दोनों चीज़ें याद रखें क्योंकि प्रेशर इंडिपेंडेंट हो जाता है वॉल्यूम से। एंड्रू ने कर प्लॉटिंग की थी, यहाँ से हमें दो चीज़ें निकल के आती हैं वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। VC की वैल्यू 3B, यहाँ से क्वेश्चंस पूछा जाता है VC की वैल्यू क्या होती है, कई बार बी दे देता है VC पूछ लेता है, कई बार बी पूछ लेता है VC हमें देता है। उसके अलावा यहाँ TC याद रखें, TC की जो वैल्यू होती है वो होती है हमारी 8A/27 BR, और साथ साथ PC की वैल्यू याद रखें क्रिटिकल प्रेशर की वो होती है A/27 B². तो यहाँ से क्वेश्चंस लगातार पूछा जाता है। RTC/PC/VC की वैल्यू पूछी जाती है लगातार कंपटीशंस की दुनिया में, तो ये भी याद रखें 8/3 ये याद रखें। और A और B की जो वैल्यू है उसे PC/VC/TC के टर्म्स में उसे भी याद करके जाएं, वो भी आपके लिए काम की है कि A और B को पूछ सकता है PC/VC/TC के में, तो उन्हें कन्वर्ट करना सीख लें। तो यहाँ से ये तो आपको चीज़ों को याद रखना है। उसके साथ अगर वर्क पूछता है कि वर्क का फॉर्मूला बताएं इन द केस ऑफ रियल गैस, मैं रियल गैस पे डिस्कशन दे रहा हूँ क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो म्यू मोल के लिए वर्क गेन का फॉर्मूला होता है μRT log base E और VF-μB/VI-μB, और इस फॉर्मूले को ऑलवेज याद रख के जाएं, A μ²
वन अपॉन वी आई माइनस वन अपॉन वी एफ। ये फॉर्मूला याद रखें। इसे लाते कैसे हैं उसे भी याद कर लें कि डब्ल्यू जो होता है वो हमारा रहता है पी डी वी। यहाँ से हम ले सकते हैं वर्क डन का फॉर्मूला और लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन को वी आई से वी एफ कर दें। तो यहाँ से जब हम इसे पी की वैल्यू को यहाँ से लेंगे इस एक्सप्रेशन से या इस एक्सप्रेशन से, अगर म्यू मोल के लिए ले रहे हैं तो यहाँ से लें वैल्यू, तो पी की जो वैल्यू है यहाँ से हम ले सकते हैं वो होगी हमारी म्यू आर टी अपॉन वी, जो वैल्यू है इस टर्म को क्या करें वी माइनस म्यू बी को इधर ले जाएं, तो यहाँ से वी माइनस म्यू बी आएगी यहाँ से, और ये आ जाएगा माइनस ए म्यू स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर। इसको डी वी के साथ में यहाँ क्या करें मल्टीप्लाई कर दें, और उसके साथ जब डी वी के साथ करें तो यहाँ पे इंटीग्रेट कर दें इसे वी आई से लेकर वी एफ तक वर्क निकालने के लिए, अगर वॉल्यूम को इनिशियल वॉल्यूम वी आई है और बाद में वॉल्यूम वी आई वी एफ है, तो ये वैल्यू हमें यहाँ से पता चलेगी। यहाँ से जो ये टर्म जब हम इसे इंटीग्रेट करेंगे वी आई से वी एफ रखेंगे तो ये टर्म आएगी, और यहाँ से हम देख रहे हैं जब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ए म्यू स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर का आ जाएगा, यहाँ से माइनस साइन ऑलरेडी है ए म्यू स्क्वायर अपॉन वी, तो वी एफ यहाँ पर आएगा, इसे करेक्ट कर लें, वी एफ यहाँ से आएगा और माइनस वी आई यहाँ आएगा। तो ये इसमें करेक्शन दें फॉर्मूले में, क्योंकि जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो माइनस साइन यहाँ है, यहाँ का यहाँ से वी के रेस्पेक्ट जो आएगा इंटीग्रेशन वो आ जाएगा हमारा ए म्यू स्क्वायर अपॉन वी, और वी आई से वी एफ तक अपर लिमिट रखें पहले और फिर लोअर लिमिट रखें, तो ये फॉर्मूला हो जाएगा, इसे याद रखें वर्क डन का फॉर्मूला। अब इस पर देखें सीधा क्वेश्चन जो आता है वो किस तरीका से आ सकता है। ए बी टी और म्यू मोल की संख्या बता देगा और ये पैरामीटर की वैल्यू देगा वो पूछ सकता है। सीधा सीधा फार्मूला पूछा जाता है कई बार, ये सीधा वर्क डन का फार्मूला आइसोथर्मल प्रोसेस के अंदर, ये आइसोथर्मल में हमने एक्सप्रेशंस कैलकुलेट किया है, और अगर इसी को हम आइडियल गैस में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो याद रखें कि आइडियल गैस के लिए ए की वैल्यू को जीरो कर दें और बी की वैल्यू को जीरो कर दें। जैसे हम इस एक्सप्रेशन में आइडियल गैस के लिए इस एक्सप्रेशन को कन्वर्ट करेंगे तो डब्ल्यू की जो वैल्यू है वर्क की वो हमें सिंपली मिल जाएगी म्यू आर टी लॉग ई बेस वी एफ अपॉन वी आई। ये याद रखें, काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूला है। ये आइडियल गैस में वर्क डन पूछता है, मोल की संख्या बताता है, टेम्परेचर बताता है, वी एफ वी आई वॉल्यूम बताता है, वर्क पूछता है, तो इस फॉर्मूले को सिंपली पुट कर दें और वैल्यू कैलकुलेट कर दें। साथ साथ याद रखें कि प्रेशर के टर्म्स में यही फार्मूला कन्वर्ट करना भी सीख लें। पी आई वी आई की वैल्यू होती है पी एफ वी एफ, यहाँ से वैल्यू को वी एफ अपॉन वी आई यहाँ से कैलकुलेट कर लें, पी आई अपॉन पी एफ यहाँ पुट कर दें, तो म्यू आर टी लॉग ई पी आई अपॉन पी एफ हो जाएगा। आई फोर इनिशियल एफ फोर फाइनल, फाइनल स्टेज के लिए जो है जो इनिशियल है उसमें प्रेशर को पी आई और वॉल्यूम को वी आई लिया गया है, और फाइनल जब एक्सपेंशन हो जाता है तो पी एफ और वी एफ है। तो ये तीनों फार्मूले इंपॉर्टेंट हैं, इसका ये वाला फार्मूला, ये वाला फार्मूला, और इसके साथ साथ याद रखें कि आइडियल गैस में कई बार पूछता है उसके एजम्पशंस हमें ऑलवेज याद रहें कि जो गैस के मॉलिक्यूल हैं वो परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन करते हैं, गैस के जो मॉलिक्यूल हैं वो खुद का कोई वॉल्यूम ऑक्यूपाई नहीं करते, कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता, पोटेंशियल एनर्जी जीरो होती है, काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो 3/2 kT होती है एक सिंगल मॉलिक्यूल की। ये सब चीज़ें आपको निश्चित तौर से रिवाइज करके जानी चाहिए, यहाँ से क्वेश्चंस पूछ लिया जाता है। तो मुझे उम्मीद है कि रियल गैस के ये जो फॉर्मूले हैं म्यू मोल के लिए और पी सी वी सी टी सी ये सब चीज़ें आप रिवाइज करके तैयार होंगे, यहाँ से क्वेश्चंस की उम्मीद कर सकते हैं। यहाँ पर दो तीन चीज़ें और भी मैं बताना चाहूँगा। बॉयल टेम्परेचर को याद रखें, टी वी की जो वैल्यू होती है बॉयल टेम्परेचर की वो ए अपॉन बी आर होती है, और जो पी आई होता है टेम्परेचर ऑफ इन्वर्जन जो जूल थॉमसन इफेक्ट में आता है उसकी वैल्यू 2A/R भी होती है। जब गैस टी लेस देन टी आई पर होती है तो कूलिंग दिखाती है, टी बराबर टी आई पर गैस ना कूलिंग दिखाती है ना हीटिंग दिखाती है, और टी ग्रेटर देन टी आई पर जो है वो हीटिंग दिखाती है। तो ये जो चीज़ें हैं वो काफ़ी तेज़ी के साथ इन्हें रिवाइज करें इन फार्मूलों को, और फार्मूलों को बहुत तेज़ी से बनाना भी सीखें। आइडियल गैस के जो सर्टेन एजम्पशंस हैं उन्हें तेज़ी से रिवाइज कर लें, और आइडियल गैस का जो एक जनरल फार्मूला है उसे याद रखें, उस पर न्यूमेरिकल्स ऑलवेज करके जाएं। जैसे एक क्वेश्चन लगातार पूछ लेता है कई बार कि हमसे प्रेशर वॉल्यूम देता है, मोल बताता है, टेम्परेचर पूछ लेता है, या इसके जस्ट रिवर्स में पूछता है बहुत सारी चीज़ें, तो हमें सब पता होनी चाहिए। उसके साथ साथ इसमें ये याद रखें कि जब मॉलिक्यूल कॉलिजन करता है तो उसका मोमेंटम एक्स दिशा में चल रहा है तो एम वी एक्स होता है, जब वॉल से टकराता है तो जो मोमेंटम है उसका वो माइनस एम वी एक्स होता है, तो चेंज इन मोमेंटम कई बार पूछता है, तो चेंज इन मोमेंटम की जो वैल्यू है वो ऑलवेज याद रखें 2 mv x होती है। कई बार ये सिंपली क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। फोर्स को पूछता है कि फोर्स कितना अप्लाई होगा, तो डेल पी अपॉन डेल टी से निकालना भी सीख लें, ये हो जाएगा हमारा 2 mv x, और डेल टी जो होता है वो होता है हमारा
2L अपॉन Vx, L जहाँ पे लेंथ है, जब पार्टिकल पहले यहाँ से यहाँ जाएगा L लेंथ चलेगा और यहाँ से वापस आएगा, तो टाइम टेकन 2L अपॉन Vx होगा। तो यहाँ पे जो फोर्स है वो एम वी एक्स स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर होगा, L होगा, ये वैल्यू जो होगी वो फोर्स की वैल्यू होगी। तो यहाँ पर फोर्स को देख रहे हैं, वेलोसिटी के स्क्वायर पर निर्भर कर रहा है, लेंथ पर कर रहा है। तो कई बार ऐसे क्वेश्चंस पूछ लेता है, कहता है कि फोर्स पर क्या प्रभाव पड़ेगा अगर वेलोसिटी बढ़ती है, तो फोर्स बढ़ जाएगा जब मॉलिक्यूल टकराएगा जाके, तो ज़्यादा वेलोसिटी से टकराएगा, ज़्यादा मोमेंटम ट्रांसपोर्ट होगा और फोर्स बढ़ जाएगा। लेंथ को घटाने और बढ़ाने का प्रभाव हम देख सकते हैं, लेंथ के बढ़ाने से फोर्स घटेगा और लेंथ के कम होने से फोर्स ज़्यादा होगा। तो ये भी याद रखें, प्रेशर की बात जहाँ तक है तो प्रेशर अगर सिंगल मॉलिक्यूल के लिए कहता है तो हम यहाँ से ले सकते हैं, एक ही दिशा में पी एक्स को मैं ले रहा हूँ, तो एक मॉलिक्यूल के लिए एरिया से हम उसे डिवाइड करेंगे तो एल इंटू एल स्क्वायर। ये डिपेंडेंसी टाइप में क्वेश्चंस को लूँगा, वी एक्स स्क्वायर अपॉन एल क्यूब, ये हमारा प्रेशर आ जाएगा। तो यहाँ से हम देख रहे हैं वेलोसिटी स्क्वायर पर निर्भर करेगा और वॉल्यूम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो इनके छोटे छोटे डिस्क्रिप्शंस को बहुत तेज़ी के साथ रिवाइज करके जाए, यहाँ से देखते चले जाएं कैसे कैसे चीज़ें वेरी कर रही हैं। तो कई बार क्वेश्चंस क्या होता है, यहाँ से सिंपली पूछ लिया जाता है डायरेक्टली, तो इन चीज़ों का छोटा छोटा डिस्क्रिप्शंस तेज़ी के साथ रिविजन में दें। आपको जितना जल्दी हो सकता है उतना लास्ट के मिनट में पूरे सिलेबस को रिवाइज करने का प्रयास करना चाहिए। स्टूडेंट क्या करते हैं कि जो पुराना है, जो पढ़ा हुआ होता है, उसको रिवाइज करके नहीं जाते कई बार, और क्या होता है वहाँ पेपर में मिस्टेक्स होती हैं या छोटी छोटी गलतियों से सिलेक्शन से बाहर हो जाता है। तो ये ऐसा तो मैं नहीं कहूँगा कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ सारा पेपर उसी में से आएगा, लेकिन एक आपको दिशा है, ये कोशिश है कि आप चीज़ों को किस तरीका से चीज़ों को तेज़ी के साथ रिवाइज करें। तो आधा घंटे की वीडियो जैसे मैं बना रहा हूँ, उन्हीं वीडियो को उसी लाइन ऑफ एक्शन पर पूरे कोर्स को रिवाइज करके जाएं, तो आपको निश्चित तौर से पेपर में लाभ मिलेगा और जो स्टूडेंट्स बहुत सारे इसी उस कंसेप्ट से सफल भी हो जाएंगे। याद रखें जो हमारा आइडियल गैस है, आइडियल गैस के बारे में तीन चार बातें और मैं बता दूँ। एनर्जी केवल टेम्परेचर का फंक्शन होती है, जो इंटरनल एनर्जी है उसकी जो है काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म होती है, इंटरनल एनर्जी जीरो होती है। तो इंटरनल एनर्जी यू जो है वो जीरो होती है, काइनेटिक एनर्जी जो होती है एक सिंगल मॉलिक्यूल की वो 3/2 K की होती है। साथ साथ ये याद रखें कि डिग्री ऑफ फ्रीडम, क्योंकि 3 होती है तो 3 के साथ जो एनर्जी वो 3/2 KT है, तो एक डिग्री ऑफ फ्रीडम के साथ एनर्जी 1/2 KT होती है। इसे हम कहते हैं लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। अगर हमारा एक डिग्री ऑफ फ्रीडम के साथ जो है एनर्जी 1/2 KT है, तो अगर हमसे कहा जाता है F के साथ कितनी होगी एक मॉलिक्यूल की, तो उसे हम लिख सकते हैं 1/2 FKT। और अगर N नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हैं, उनकी एनर्जी पूछता है, तो N से मल्टीप्लाई कर दें। तो समझें इस चीज़ को कि जो आइडियल गैस है उसकी एनर्जी केवल जो एनर्जी होती है वो काइनेटिक एनर्जी फॉर्म में होती है, पोटेंशियल एनर्जी जीरो होती है, क्योंकि कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मॉलिक्यूल का नहीं होता। और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ना होने की वजह से क्या होता है, उसकी जो एनर्जी है काइनेटिक एनर्जी वही उसकी होल एनर्जी होती है, इंटरनल एनर्जी। तो ये याद रखें, साथ साथ ये याद रखें कि काइनेटिक एनर्जी सिंगल मॉलिक्यूल की 3/2 KT होती है, 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है, क्योंकि मॉलिक्यूल एक्स वाई जेड तीनों डायरेक्शन में किधर भी जा सकता है, तो 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम के साथ एनर्जी 1/2 KT होती है। अगर एफ डिग्री ऑफ फ्रीडम है तो एनर्जी 1/2 FKT होती है, और अगर एन मॉलिक्यूल है सिस्टम में तो एनर्जी जो है 1/2 FNKT होती है। ये टोटल एनर्जी रिप्रेजेंट हो रही है, और सी वी जो हम निकालते हैं डी यू अपॉन डी टी से निकालते हैं, ये वैल्यू हमारी सिंपली आ जाती है 1/2 F और NK। यहाँ याद रखें इनके आर होता है, तो ये वैल्यू F/2R होती है। अब क्वेश्चन देखें इस पर किस तरीका से आता है, क्वेश्चन बताएगा डिग्री ऑफ फ्रीडम मॉलिक्यूल की इतनी है, गैस कांस्टेंट कितना, सी वी बताएं कितना होगा। तो सिंपली हम निकाल सकते हैं सी वी यहाँ से, मेयर रिलेशंस पे क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है, सी पी माइनस सी वी की वैल्यू आर होती है, आर गैस कांस्टेंट है, सी पी स्पेसिफिक हीट है कांस्टेंट प्रेशर पे, और सी वी जो है स्पेसिफिक हीट है कांस्टेंट वॉल्यूम पे। तो यहाँ से सी पी निकाल सकते हैं कांस्टेंट प्रेशर पे स्पेसिफिक हीट, तो ये आ जाएगी हमारी आर प्लस F/2R। यहाँ से क्वेश्चन लगातार पूछा जाता है, तो यहाँ R और 1 प्लस F/2 ये वैल्यू होगी। अगर हमें R पता है, F पता है, तो CP हम कैलकुलेट कर सकते हैं। R गैस कांस्टेंट फिक्स होता है, तो ये भी डिग्री ऑफ फ्रीडम पे निर्भर करती है, और CP अपॉन CV की जो वैल्यू है वो हमारे यहाँ से आती है 1 प्लस 2 अपॉन F। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इस पर क्वेश्चंस लगातार पूछे जाते हैं। मोनोएटॉमिक में एफ 3 होती है, केवल मोनोएटॉमिक गैस के एग्जांपल होते हैं हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जितनी भी हमारी इनर्ट गैसेज हैं वहाँ पे एफ की जो वैल्यू है इनर्ट गैस के लिए 3 होती है। डाईएटॉमिक के लिए
जो डायटोमिक H2N2O2 गैस होती हैं, जो दो एटम से मिलकर बनी होती हैं, उनके लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू 5 होती है, 3 उसमें ट्रांसलेटरी मोशन होती है डिग्री ऑफ फ्रीडम, और 2 होती है रोटेटरी मोशन। और जो ट्राईएटोमिक गैस होती है वहाँ पर डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू 6 होती है, जिनका एग्जाम्पल हम बहुत ईजिली ले सकते हैं। O3 हमारा एग्जाम्पल है, CO2 एग्जाम्पल है, SO2 एग्जाम्पल है, जो 3 एटम से मिलकर बनी होती है। और अगर हम लगातार टेम्परेचर राइज करते हैं तो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के बाद वाइब्रेशन भी शुरू हो जाते हैं, तो कुछ गैसें बहुत हाई टेम्परेचर पर जो डायटोमिक होती हैं वो डिग्री ऑफ फ्रीडम 7 तक रखती हैं। तो इन चारों पांचों कंसेप्टों को याद रखें, F की वैल्यू को याद रखें, डिग्री ऑफ फ्रीडम मोनोएटोमिक की 3, डायटोमिक की 5 और ट्राईएटोमिक की 6 होती है। और ट्राईएटोमिक में भी अगर हम टेम्परेचर को ज़्यादा बढ़ा देते हैं तो डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है वो 7 तक जाती है। साथ साथ याद रखें एक बहुत ही महत्वपूर्ण कंसेप्ट है कि जो हमारा हाइड्रोजन है उसकी जो स्पेसिफिक हीट होती है कांस्टेंट वॉल्यूम पे, वो टेम्परेचर के बढ़ाने पे लगातार बढ़ती है। जैसे जैसे हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो शुरू में ट्रांसलेटरी मोशन होती है, उसके बाद जब डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है लगातार बढ़ती जाती है जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है, और ट्रांसलेटरी के साथ साथ फिर रोटेशन शुरू हो जाता है। अगर टेम्परेचर उससे ऊपर पहुँचता है तो हमारे वाइब्रेशन भी शुरू हो जाते हैं। तो ये इस तरीका की चीज़ों को तेज़ी के साथ रिवाइज करें, इन पर न्यूमेरिकल याद करके जाएँ। जैसे F की वैल्यू हमें देगा मोनोएटोमिक के लिए, कहेगा CP/CV की वैल्यू बताएं, इस तरीका के क्वेश्चंस भी कई बार पूछे जाते हैं, या दूसरी किसी गैस के लिए CPCV भी पूछ लेगा। तो इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लें, ये काफ़ी महत्वपूर्ण कंसेप्ट हैं जो मैं अभी डिस्कस कर रहा था। रियल गैस से क्वेश्चन कम और वान डर वाल्स से ज़्यादा आते हैं, तो वान डर वाल्स में कुछ मैंने बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें रिवाइज कराई थी। याद रखें कि क्वेश्चंस में सॉल्व नहीं करा पा रहा हूँ इस वजह से क्योंकि टाइम हमारे पास कम है, लेकिन आइडिया दे रहा हूँ कि किस तरीका के क्वेश्चंस जो है पूछे जाने की संभावना रहती है। तो क्वेश्चंस में याद रखें कि सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चंस पूछा जाता है इसमें थर्मल वाले पोर्शन में, वो पूछा जाता है एंट्रोपी से। तो एंट्रोपी को बहुत ज़्यादा वेटेज दें, एंट्रोपी एक बहुत ज़्यादा हॉट टॉपिक है, तो मैं कहूँगा हॉट टॉपिक्स में इसको कंसिडर करें हॉट टॉपिक का। और एक जो एंट्रोपी के साथ साथ कार्नोट हीट इंजन पर जो है क्वेश्चंस लगातार पूछे जाते हैं, तो इन दोनों टॉपिकों को बहुत अच्छे से तैयार करें और सब चीज़ें इसकी रिवाइज करके जाएं। और कार्नोट हीट इंजन के साथ साथ एक हमारा रेडिएशन का टॉपिक रहता है जिस पर क्वेश्चंस रेगुलर पूछे जाते हैं, तो इन टॉपिकों पर ज़्यादा क्वेश्चंस की संभावना रहती है। एंट्रोपी पर याद रखें कि जब स्टेट बदलती है डेल एस का जो फॉर्मूला होता है, एंट्रोपी जो होती है वो एक्सटेंसिव पैरामीटर होती है, एंट्रोपी कंजर्वेशन लॉ को भी नहीं करती। एंट्रोपी जो होती है वो यूनिवर्स की बढ़ती जा रही है, जो हमारी जितनी भी इरिवर्सिबल प्रोसेस होती है उनमें एंट्रोपी बढ़ती है पूरी सिस्टम की, सिस्टम और सराउंडिंग दोनों का देखेंगे तो उसमें एंट्रोपी बढ़ेगी इरिवर्सिबल में, और रिवर्सिबल प्रोसेस में जितनी एंट्रोपी सिस्टम और सराउंडिंग की देखेंगे तो कोई चेंज उनमें दोनों का कंसिडरेशन करें तो कोई चेंज नहीं होता। तो ये ध्यान रखें, ये इंपॉर्टेंट है। साथ साथ ये याद रखें कि पॉइंट फंक्शन होती है, तो डीएस की वैल्यू होती है DQ/T। कई बार क्या करता है, DQ हमें देता है इतनी हीट दी और टेम्परेचर इतने पर दी गई है, चेंज इन एंट्रोपी बताएं, तो सिंपली हमें जितनी हीट दी है और टेम्परेचर है जितना वो देखें। साथ साथ एक जो बहुत ही महत्वपूर्ण कंसेप्ट है उसे मैं बताना चाहूँगा कि जो जिस सिस्टम को हीट दी जाती है उसकी एंट्रोपी जो है वो बढ़ती है, जिससे जो सिस्टम हीट देता है उसकी एंट्रोपी घटती है। और जब हम ओवरऑल चेंज देखते हैं तो दोनों को साथ साथ कंसिडर करते हैं, जिसको दी है उसको भी कंसीडर करते हैं कि उसमें सिस्टम की में कितना चेंज हुआ, और जहाँ से दी गई है उसकी में देखते हैं, और फिर टोटल चेंज हम कंसीडर करते हैं। इस चीज़ को सदा ध्यान रखें, स्टूडेंट कई बार इसी चीज़ में गलती करता है। तो DS = DQ/T, ये फॉर्मूला है हमारा। अगर ये अवस्था परिवर्तित हो रहा है तो DQ जो होती है ML/T हम लेके चलते हैं, इसे अवस्था परिवर्तन पे इस फॉर्मूले को यूज करते हैं चेंज इन एंट्रोपी का। जैसे कहता है कि आइस है और आइस जो है 0°C के ऊपर वाटर में कन्वर्ट हो रही है, कहता है एंट्रोपी चेंज बताएं, तो क्या करें कि आइस के लिए लेटेंट हीट की वैल्यू ले लें L, और कितना मास है आइस का वो हमें क्वेश्चन में दिया होगा, और टेम्परेचर हम जानते हैं 0°C पर हो रहा, तो इसे 273 लें। साथ साथ गलती स्टूडेंट कई बार इसमें क्या कर देता है, 0°C को सदा केल्विन में बदलना होता है, कई बार कंसीडर नहीं करता है, तो 0°C को पहले किस में बदल दें, केल्विन में, क्योंकि फॉर्मूला सदा किस में लिया जाता है, टेम्परेचर है, केल्विन में लिया जाता है, तो इसकी इस गलती को ना करें। तो ये अगर कहता है आइस से वाटर में कन्वर्जन हो रहा है तो ML/T लगाएं। अब कहता है कि वाटर जो है 0°C से कन्वर्ट होता है और ये 100°C तक जाता है, तो एंट्रोपी चेंज का फॉर्मूला हमें इसमें अवस्था परिवर्तन वाला नहीं लगाना होगा। फिर DQ की वैल्यू को हमें इस वाले कंसेप्ट में हमें क्या करना होगा, चेंज इन एंट्रोपी को निकालने के लिए DLS चेंज को DQ की जगह पर लिख लेंगे MCGT, और इसे T से डिवाइड कर देंगे। C जो है
वो हो जाएगी हमारी पर्टिकुलर स्पेसिफिक पर यूनिट मास वाली। और यहाँ से टेम्परेचर को TI से लेकर TF तक, इनिशियल टेम्परेचर TI और बाद में टेम्परेचर TF, तो यहाँ से फॉर्मूला हमारा सिंपली आ जाएगा ये लॉग बेस 10 में 2.3026 MC और लॉग बेस 10 TF अपॉन TI। तो ये जब लगेगा, जब जो अवस्था है वो परिवर्तन नहीं होता, केवल अवस्था सेम रहती है लेकिन जो सिस्टम है उसका टेम्परेचर बढ़ता है। जैसे वाटर कहता है कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड से जो वाटर है उसे 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक ले जाया जाता है, मतलब पूरा बॉयल किया जाता है, तो पूछेगा कि उसमें एंट्रोपी चेंज निकालें। तो ये फॉर्मूला लगेगा TF की जगह पे 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक। अगर क्वेश्चन में को देख लें, क्वेश्चन में देखें कि क्या टेम्परेचर कहाँ तक बढ़वा रहा है, अगर वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक ले जा रहा है तो यहाँ 373 ले लें, 273 को जोड़ के, 0 डिग्री सेंटीग्रेड से चला तो यहाँ 273 ले लें। M और C हमें देगा, C क्वेश्चन में भी देगा और मास बताएगा, तो चेंज इन एंट्रोपी यहाँ से लगा लें। और अगर वाटर को फिर वेपर में कई बार बदल देता है, तो वाटर को वेपर में बदलते समय याद करें कि वाटर से वेपर में बदलने के लिए फिर हमें अवस्था परिवर्तन का फॉर्मूला ML2 अपॉन T2 लगाना होगा। मास M बताएगा क्वेश्चन में, L2 बताएगा और T2 हमें 373 लेना होगा, उसके बाद इसे सॉल्व कर देंगे। तो ये हमारे 3 कंसेप्ट इसमें कवर हैं। जब हमारा आइस वाटर में कन्वर्ट होती है तो ये फॉर्मूला लगाना है, जब वाटर गर्म होगा हीट होगा तो ये फॉर्मूला लगाना है, और अगर वेपर पे ही अगर अवस्था परिवर्तन हो रहा है, जो हमारा बॉइल्ड वेपर है और वेपराइजेशन हो रहा है, तो उस समय पे ये फॉर्मूला लगाना है। तो ये हमें याद रखना है। साथ साथ ये याद रखें कि L1 की जो वैल्यू है वो कम होती है और L2 की वैल्यू ज़्यादा होती है, इसको हम लेटेंट हीट कहते हैं। ये लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन कहलाती है L2, और ये लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहलाती है L, यहाँ पे जो अवस्था जब हम आइस से वाटर में जाते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चंस लगातार पूछे जाते हैं, इन तीनों कंसेप्टों को बहुत अच्छे से करके जाएं। यहाँ से क्वेश्चंस को मैंने लगातार देखा है कंपटीशंस की दुनिया में, तो एंट्रोपी पे जितना मैक्सिमम क्वेश्चंस हैं सबको निकालने का प्रयास करें। कई बार क्या करता है, वायर में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो मतलब वाटर में वायर को डाल देता है और उसमें क्या कर देता है, करंट फ्लो कराता है कि एंट्रोपी चेंज पूछ रहा है, उस टाइप के क्वेश्चन करें। एक इस टाइप के क्वेश्चन जरूर करके जाएं कि एक सिस्टम है उसका टेम्परेचर T1 है, दूसरा सिस्टम है उसका टेम्परेचर T2 है, दोनों मिक्सअप किए जाते हैं और फिर पूछता है चेंज इन एंट्रोपी निकालें, तो वहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो एंट्रोपी के जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं उन्हें निकालने का प्रयास करें। मैं टाइम लिमिट की वजह से इसमें बहुत ज़्यादा और समय नहीं दे पाऊँगा। कार्नोट हीट इंजन में याद रखें कि एफिशिएंसी का फॉर्मूले पर क्वेश्चन पूछा जाता है, एफिशिएंसी होती है हमारी W अपॉन Q1, W जो होता है यूजफुल मैकेनिकल वर्क होता है और Q1 हीट है जो हम सोर्स देता है, और W की जो वैल्यू होती है यूजफुल वर्क वो Q1 माइनस Q2 होता है, Q1 जो अमाउंट ऑफ हीट है सोर्स के द्वारा और Q2 सिंक को मिलता है अपॉन Q1, ये याद रखें। तो यहाँ से फॉर्मूला हमारा बन के आता है 1 माइनस Q2 अपॉन Q1। यहाँ से क्वेश्चन रेगुलर पूछा जाता है, Q2 और Q1 हमें देता है कई बार और सीधी एफिशिएंसी पूछ लेता है। उसके साथ साथ Q2 अपॉन Q1 की वैल्यू होती है T2 अपॉन T1, तो 1 माइनस T2 अपॉन T1 और W इजकल टू, यहाँ से इसे हम Q1 भी लिख सकते हैं। तो कई बार क्या होता है कि इस क्वेश्चन में T2 T1 Q1 देता है, W पूछ लेता है यूजफुल वर्क, तो इस सीधा फॉर्मूला यूज कर लें। अगर हमें W T1 T2 देता है Q1 पूछता है, तो इसी फॉर्मूले को यूज कर लें, इस टर्म को इधर ले आए, और यहाँ से अगर W T2 Q1 देता है T1 पूछता है, तब भी इसी फॉर्मूले को यूज कर लें। तो ये ऐसे लगातार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इस फॉर्मूले पर बेस न्यूमेरिकल जरूर करके जाएँ, यहाँ से मैंने देखा है लगातार क्वेश्चन आते हैं। उसके अलावा क्लोसियस क्लैपेरॉन इक्वेशन सिंपली पूछी जाती है, dP अपॉन dT इजकल टू L अपॉन T V2 माइनस V1। क्लोसियस क्लैपेरॉन इक्वेशन का सीधा फॉर्मूला कई बार पूछ लिया जाता है, V2 V1 T दे देता है, dP अपॉन dT पूछ लेता है, L देता है हमें, तो इस फॉर्मूले को याद रखें। अवस्था परिवर्तन में कई बार पूछता है कि अगर हमारा आइस है उसमें dP अपॉन dT की वैल्यू पर क्या प्रभाव पड़ेगा, अगर आइस वाटर में कन्वर्ट होती है, इस टाइप से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो यहाँ पे इस फॉर्मूले पे क्वेश्चन करें और क्लोसियस इक्वेशन पे dL अपॉन dT माइनस L अपॉन T इक्वल टू C2 माइनस C1, इस फॉर्मूले पे भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो ये दोनों फॉर्मूले करके जाएं। यहाँ से L और T डिपेंडेंसी पूछ लेता है C1 और L अपॉन T देता है C2 पूछ लेता है, तो इन दोनों फॉर्मूलों पर क्वेश्चन को देखा गया है, तो ये याद रखें। और इनके एप्लीकेशंस पोर्शन पर भी थोड़ा सा काम करें, फर्स्ट KGS और सेकंड KGS इक्वेशंस दोनों को देख के जाएं, मैं ऑलरेडी वीडियो में डिस्कस कर चुका हूं। तो ये हमारे ऐसे कंसेप्ट हैं जहां से क्वेश्चंस पूछा जाता है, फर्स्ट KGS इक्वेशन सेकंड KGS इक्वेशन सिंपली सीधी सीधी पूछी जाती हैं। S को फंक्शन लेके चलते हैं, एक बार
टी और पी का, एक बार टी और वी का, देखें फर्स्ट में क्या क्या लेके चलना होता है और फिर उसे सॉल्व कर लें, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चंस लगातार पूछते हैं। तो मैं कहूँगा कि हमारी एंट्रोपी और जो एक कंसेप्ट मैं अभी बता रहा था कार्नोटिक इंजन का, उनको पूरा रिवाइज करके जाए, इन पर क्वेश्चन की संभावना ऑलवेज बनी रहती है। और उसके साथ साथ रेडिएशन से कुछ मैं इंपॉर्टेंट चीज़ें रिवाइज करा रहा हूँ, तो ये मेरा रिवीजन है। और इसमें मैं बता भी रहा हूँ कि किस टाइप के क्वेश्चंस पूछेंगे, क्या क्या चीज़ें देता है। और इसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछता है वीन्स लॉ पे, लैम्डा एम टी इजकल टू कॉन्स्टेंट। इस पर बहुत बार क्वेश्चंस पूछा जाता है, ये वीन कॉन्स्टेंट होता है और यहाँ पे 0.3 सेंटीमीटर केल्विन इसकी वैल्यू होती है। टी देता है, लैम्डा एम पूछ लेता है, कई बार लैम्डा एम देता है और टी पूछ लेता है। तो वीन्स लॉ पे क्वेश्चंस देखा जाता है, इसमें भी लैम्डा एम वन T1 इजकल टू लैम्डा एम टू T2 पर पूछा जाता है, इस पर भी क्वेश्चंस देखा गया है। दो तीन चीज़ें देता है, चौथी चीज पूछ लेता है। तो वीन्स लॉ में ये होता है कि जो एनर्जी होती है ब्लैक बॉडी जब रेडिएट करती है, तो ये देखा जाता है कि जैसे जैसे उसका टेम्परेचर बढ़ता है तो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर जाके वो मैक्सिमम एनर्जी इमिट करती है और वहाँ वेवलेंथ मिनिमम होती है। तो वो वीन्स लॉ होता है कि लैम्डा एम टी बराबर कॉन्स्टेंट, जो टेम्परेचर है उसे ज्ञात करने के काम में आता है स्टार वगैरह के। तो यहाँ से क्वेश्चंस देखा जाता है इस वाले फॉर्मूले पे, जो इस पे फॉर्मूला लगातार ई अपॉन ए टी प्रोपोर्शनल टू T4, स्टीफंस लॉ पे क्वेश्चन पूछा जाता है। एनर्जी रेडिएटेड बाय द ब्लैक बॉडी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम टी की पावर 4 पर निर्भर करती है। तो इसमें याद रखें, और ये याद रखें कि एनर्जी जो होगी वो ए टी टी की पावर 4 पर निर्भर करेगी। टी है टाइम है, स्मॉल टी कैपिटल टी टेम्परेचर है जो हमें केल्विन में लेना होता है, ए एरिया है। साथ साथ इस पे क्वेश्चन इस फॉर्म पे भी पूछा जाता है कि दो स्पेरिकल बॉडी दे देता है, एक की रेडियस R1 देता है और दूसरे की रेडियस जो है वो R2 देता है, और पूछ लेता है कि E1 अपॉन E2 की वैल्यू किस पर निर्भर करेगी। तो A1 और A2 को यहाँ पर 4πR1 स्क्वायर ले लेंगे एक के लिए, और एक के लिए 4πR2 स्क्वायर ले लेंगे। तो यहाँ पर R1 T और T की पावर R1 स्क्वायर, ये हमारा प्रोपोर्शनल में चलेगा, और 4π कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये टी और T1 यहाँ पर ले लें, T2 की पावर 4। तो इस पर क्वेश्चंस लगातार पूछे जाते हैं, यहाँ पे रेडियसों को पूछता है, T1 T2 को आपस में रिलेट करता है, और E1 अपॉन E2 की वैल्यू पूछता है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण एक्सप्रेशंस मैं कहूँगा। कई बार ये कहता है कि एक स्पेरिकल शेप की बॉडी है जिसकी रेडियस R है, टेम्परेचर T पे है, एक दूसरी स्पेरिकल बॉडी है जिसकी रेडियस 2R है और ये भी टेम्परेचर T पे है, तो पूछता है कि इसमें बताएं एनर्जी किस में रेडिएट ज़्यादा होगी। तो इसमें ज़्यादा होगी क्योंकि यहाँ पे एरिया ज़्यादा होगा, और ये 4 times ज़्यादा होगी क्योंकि यहाँ पे रेडियस स्क्वायर का कंसेप्ट आएगा हीट रेडिएशन में, तो 4 times से ज़्यादा करेगा। R और 3R है तो 9 times ज़्यादा आएगा। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, इस कंसेप्ट को भी ऑलवेज याद रखें। साथ स्टीफंस लॉ के अलावा स्टीफंस जो स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ है उस पर भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ई अपॉन ए टी जो है वो टी की पावर 4 माइनस टी नॉट की पावर 4 के प्रोपोर्शनल होता है। कैपिटल टी जो है टेम्परेचर है बॉडी का, टी नॉट सराउंडिंग टेम्परेचर है, ब्लैक बॉडी के द्वारा एनर्जी रेडिएटेड जब पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। इस क्वेश्चन इस फॉर्मूले पर भी क्वेश्चन करके जाएं, इन पर फॉर्मूलों पर करके जाएं, वीन्स लॉ पर क्वेश्चंस करके जाएं। साथ साथ ये याद रखें कि दो क्वेश्चंस जो यहाँ मैं लगातार देख रहा हूँ आजकल, प्लैंक के एक्सप्रेशंस को ऑलवेज ध्यान रखें कि प्लैंक लॉ हमारा किस तरीका से आता है। तो यह प्लैंक लॉ पर लगातार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और पूछी जाती है कि प्लैंक लॉ का एक्सप्रेशन क्या है, कई बार सिंपली सीधा ही पूछा जाता है। तो जो हमारा यू म्यू डी म्यू होता है, एनर्जी डेंसिटी ब्लैक बॉडी के अंदर, उसका फॉर्मूला सिंपली पूछ लिया जाता है। तो यहाँ पे 8πμ² और dμ/c³, ये हमारा म्यू से लेके μ+dμ के बीच में डेंसिटी ऑफ स्टेट का फॉर्मूला होता है। और यहाँ पे प्लैंक कांस्टेंट का जो हमारा प्लैंक हार्मोनिक ऑसिलेटर है उसकी एनर्जी होती है hν/e⁻ⁿ/kT⁻¹। इस क्वेश्चन पे फॉर्मूले पे क्वेश्चंस लगातार पूछे जाते हैं। ये आजकल क्वेश्चन आ रहा है इस पर, जो हमारी डेंसिटी ऑफ स्टेट है इस पर न्यूमेरिकल क्वेश्चन जरूर करके जाएं, ये इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा हार्मोनिक ऑसिलेटर क्वांटम मैकेनिकल ये पूछी जाती है, उसकी एवरेज एनर्जी कितनी होती है, तो ये hν/e⁻¹ होती है। साथ साथ जो इसमें दो तीन चीज़ें मैं और बताऊँगा, क्या अगर 1D हार्मोनिक ऑसिलेटर है उसमें कई बार क्या कहता है, एनर्जी बता देता है कि पोटेंशियल एनर्जी ½kx² है, काइनेटिक एनर्जी px²/2m है। तो इसकी 1D में पूछेगा कि एनर्जी क्या होगी क्लासिकली, तो ½kT इसके साथ एनर्जी होगी। हर क्वाड्रेटिक टर्म जो एनर्जी एक्सप्रेशन में होती है ½kT एनर्जी रखती है, ½kT ये रखेगी तो ये हमारा kT आ जाएगा।
तो ये आंसर होगा। अगर टू डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर है तो वहाँ एनर्जी 2 kT आ जाएगी, 4 degree ऑफ फ्रीडम होगी। थ्री डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर है तो ये जो एनर्जी है वो 3 kT आएगी। तो यहाँ से क्वेश्चंस पूछ लिया जाता है। ये मैं कह रहा था क्लासिकली, ये हम जो बोल रहे थे क्लासिकली और क्वांटम मैकेनिकली हार्मोनिक ऑसिलेटर की एनर्जी ये होती है। तो ये याद रखें, इसके दोनों एक्सप्रेशंस रेले जीन्स और क्वींस लॉ ये भी कर लें तो आपको निश्चित तौर से फ़ायदा होगा। ये चीज़ें आपको रेडिएशंस के टॉपिक में रिवाइज करके जानी है। रेले जीन्स लॉ और क्वींस लॉ बनाना शुरू करें कि रेले जीन्स लॉ कब बनेगा ये और क्वींस लॉ ये कब बनेगा। दोनों की फॉर्म कर लें, दोनों पर एक एक क्वेश्चन जरूर करके जाएँ। तो मुझे उम्मीद है कि जो ये डायरेक्शन मैं दे रहा हूँ इसी डायरेक्शन पर आप पढ़ के और रिविजन करके ईजिली क्वेश्चन को जो है वो हैंडल कर लोगे। उसके साथ साथ नंबर ऑफ वेज के कुछ इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशंस हैं, तीन तरीका के स्टैटिक्स में, मैक्सवेल, बोक्समैन, बोस आइंस्टीन और फर्मी ट्रैक में। इस पर क्वेश्चन जो आता है W की वैल्यू वो होती है नंबर ऑफ वेज की GI की पावर NI। ये नंबर ऑफ वेज का फॉर्मूला है, GI नंबर ऑफ स्टेट है, NI नंबर ऑफ पार्टिकल है। बोस आइंस्टीन में नंबर ऑफ वेज जो होते हैं वो होते हैं फैक्टोरियल NI प्लस GI माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल NI फैक्टोरियल GI माइनस 1। और यहाँ पर जो नंबर ऑफ वेज होते हैं वो होते हैं फैक्टोरियल GI अपॉन फैक्टोरियल NI फैक्टोरियल GI माइनस NI। तो इन पे दो तीनों पे एक एक दो क्वेश्चन कर लें। ये तब है जब हम मॉलिक्यूल को आपस में क्या मानते हैं, डिस्टिंग्विशेबल मानते हैं। ये डिस्टिंग्विशेबल पे लगता है और ये GI की पावर NI अपॉन फैक्टोरियल NI जो है वो लगता है इनडिस्टिंग्विशेबल पे। तो दोनों फॉर्मूले ये निश्चित तौर से करके जाएं। NI GI की वैल्यू क्वेश्चन में देगा, नंबर ऑफ पार्ट के लिए इतने, स्टेक्स इतनी हैं और पूछेगा नंबर ऑफ वेज पूछें बताएं। और S पूछ लेता है एंट्रोपी, तो याद रखें S की जो वैल्यू होती है वो होती है KV log W। इस पर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये जो कंसेप्ट है जो मैं यहाँ बता रहा हूँ इस पर क्वेश्चंस रेगुलर मैंने देखा है, तो इसको निश्चित तौर से आप रिवाइज कर लें और देख के जाएं। इस पर एक एक दो दो क्वेश्चंस देख लें तेजी के साथ में। तो डायरेक्शंस है ये, इसी लाइन ऑफ एक्शन पर आपको पूरा रिवीजन देना है, तेजी के साथ फॉर्मूलों को रिवाइज करना है। और फॉर्मूला रिवाइज करने के साथ साथ क्या करना है, सदा ध्यान रखना है कि ये फॉर्मूला हमारा किस तरीका से हमें यूज करना है। पार्ट्स एंड फंक्शन लगातार पूछा जा रहा है। जैक जो होता है वो समेशन ई की पावर माइनस बीटा ई होता है, आर लेके चलें, आर यहाँ पे लगा दें, बीटा 1/kT होता है यहाँ। और अगर डेंसिटी है एनर्जी आर के करस्पॉन्डिंग जो हमारे स्टेट्स हैं जिसे हम डीजनरेसी कहते हैं वो जी है, तो ये फॉर्मूला बन जाता है ई की पावर माइनस बीटा ई आर। इसमें याद रखें कि यहाँ से क्वेश्चन डी जनरेसी बता देता है कि इस पर्टिकुलर स्टेट की इतनी है, पार्टिशन फंक्शन पूछता है। तो इस फॉर्मूले को एप्लीकेशन से इसके करके जाएं। एवरेज एनर्जी जो होती है वो माइनस डेल ओवर डेल बीटा लॉग जेड होती है, वो याद रखें। और जेड यहाँ पार्टिशन फंक्शन है, बीटा यहाँ 1/kT है, या kT स्क्वायर डेल ओवर डेल टी लॉग जेड होता है, ये याद रखें। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद CV को याद रखें, CV डेली अपॉन डेल टी होता है, यहाँ से हम निकाल सकते हैं। हेलमुट फंक्शन एफ की वैल्यू माइनस kT लॉग जेड होती है, ये याद रखें। इस पे क्वेश्चंस पूछा जाता है कि जेड हमें देगा, एफ पूछ लेगा हेलमुट फंक्शन, तो यहाँ से निकाल लें। तो यहाँ से इन फॉर्मूलों पे बेस क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, पार्टिशन फंक्शन को करके जाएं। फेज स्पेस में दो तीन बातें सदा याद रखें, 6 dimensional स्पेस होता है फेज स्पेस, और फेज स्पेस में फेज ट्रेजेक्ट्री दो तीन याद रख लें सदा, कि अगर 1 dimensional पार्टिकल इन ए बॉक्स में है तो रेक्टेंगुलर बॉक्स होगी, अगर पार्टिकल हार्मोनिक ऑसिलेटर में है तो इलिप्स होगी। और फेज स्पेस ट्रेजेक्ट्री कई बार पूछी जाती हैं, पार्टिकल अगर मोशन अंडर ग्रेविटी है तो पैराबोला होगी। तो ये तीनों फेज ट्रेजेक्ट्री याद रखें, फेज ये याद रखें कि 6 degree ऑफ फ्रीडम होती है तीन पोजीशन की, तीन मोमेंटम की, और क्वांटम मैकेनिकल कंसेप्ट होता है फेज स्पेस का। तो मुझे उम्मीद है कि मैंने बहुत तेज़ी के साथ जो ये रिवीजन दिया है वो निश्चित तौर से बेनिफिट देगा आपको और एक दिशा देगा कि किन किन चीज़ों को आप पेपर से पहले रिवाइज करके जाएं। इन पर एक एक दो दो चार चार क्वेश्चन देखें, पीछे के पेपरों को तेज़ी के साथ सॉल्व करने का प्रयास करें, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें और तनाव मुक्त रहें। थैंक यू एंड बेस्ट विशेस फॉर ऑल ऑफ यू। जय हिंद।